नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। भैया कहने वाली खुद कहेगी सैया, कर ले ये उपाय। आज मैं एक ऐसी चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिस स्त्री को आप दिल से चाहते हैं, जिस स्त्री को दिल से मोहब्बत करते हैं, उस स्त्री को प्यार करते हैं, लेकिन वो स्त्री आपके बात को समझ नहीं पाती है और बार बार आपको भैया कहकर को पुकारती है। तो आप चाहते हैं उसको प्रेमिका बनाना, लेकिन वो प्रेमिका नहीं बनती है, बहन बनना चाहती है। तो ये उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो भैया बोलना भूल जाएगी और आपको बरान लेगी सैया। बहुत ही चमत्कारी उपाय और बहुत ही चमत्कारी शक्तिशाली पावरफुल वशीकरण करने का तरीका। किसी भी स्त्री का दिल को आप जीत सकते हैं, किसी भी स्त्री का दिल को आप मोहब्बत को शामिल करके आप उसके दिल को मोम की तरह पिघला सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली पावरफुल उपाय मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, उस स्त्री को अगर आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं और उस स्त्री को अपने प्यार में पागल बनाना चाहते हैं, दीवानी बनाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय है। लेकिन ये उपाय कौन सा है, कैसे करना है, इसकी तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, उसके बाद इसकी प्रयोग आप करिएगा तो आपको सफलता हासिल होगी और आप उस स्त्री को प्यार जो है आप उसको पा सकते हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो पर आप आगे तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, बहुत ही आसान और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको करना क्या है, आपको दो या तीन संख्या में आपको पान खरीदना है। किसी भी पान की दुकान से आपको कच्चा पान आप खरीद लीजिएगा। उस पान को आप मिक्सी में हो चाहे सिलबट्टा में हो, किसी भी तरह से पीस करके उसको पेस्ट बना करके, गीला पेस्ट बना करके आप रख लीजिएगा। पूजा के स्थान में रख करके एक दिन छोड़ दीजिएगा। अगरबत्ती धूप अगर दिखा करके, दीपक दिखा करके आप उसके सामने में रख दीजिएगा एक दिन एक रात पूजा स्थान में। उसके बाद शनिवार के दिन में आपको किसी भी पंसारी की दुकान में या जहां पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बिकती है उसके दुकान में जाकर के आपको लेना होगा सफेद बच। बच एक जड़ी होती है, एक पौधे का जड़ी होती है जिसका नाम है बच। 10 रुपया 20 रुपया में आपको बच मिल जाएगी। उसके बाद आपको इस बच को करना क्या है, बच को खरीद करके ले आइएगा और उसको गंगा जल से शुद्धिकरण करके भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जाकर के आपको विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके कच्चे गाय का दूध शिवलिंग पर रख करके चढ़ा लीजिएगा और उस जड़ी को अपने पास लेकर के रख लीजिएगा। जिस स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, जिस स्त्री का प्यार को पाना चाहते हैं, उस स्त्री का नाम लेकर उस जड़ी को रात के समय में अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है उसकी नाम लेकर के। उसके बाद सुबह सुबह जब भी उस स्त्री के नजदीक आपको जाने का मौका मिले या जब भी उस स्त्री के आजू बाजू जाने का मौका मिले तो उस समय करना क्या है, आप उस स्त्री का नाम 7 बार लीजिएगा। 7 बार लेकर के बोलिएगा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा, बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा 7 बार बोलिएगा उस स्त्री का नाम लेकर के। और उस जड़ी को आपको क्या कर रहा है, जो पान का जो पेस्ट बना करके रखे थे रस जो था, वो किसी चीज में आपको कोई पत्थर वगैरह रख करके और उस जड़ी को घिस लीजिएगा। घिस करके चंदन की तरह कर लीजिएगा, वो पान का रस में उस जड़ी को घिस लेना है और उसकी जो चंदन बना करके जो रखिएगा उसी का तिलक लगा करके उस स्त्री के नजदीक आप चले जाइए। बस इतना छोटा सा प्रयोग करके देखे, वो स्त्री आपके कदमों में आकर के गिरेगी, आपके बाहों में आकर के गिरेगी और वो हॉट हो जाएगी। भैया बोलना छोड़ करके उस सैया बोलने लगेगी
और आपके मोहब्बत में दीवानी बन जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसको आप अवश्य करके देखें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।